basis, and to avoid commuting by trains and buses if not absolutely necessary. The next 10 to 15 days are extremely, extremely crucial. To fight this crisis, the government and the citizens have to put up a strong joint front. So I appeal again, please do not panic. Please be careful about misinformation, and please follow the instructions and guidelines issued by the state government. घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद पे खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बता दूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि दो हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज ए प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है, बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। Hi guys, I hope you're all safe out there. I just wanted to come in and say hello. This is such an insane time and all of our lives have been completely turned upside down. It feels like something out of a movie, but it's not. And we know that. Nick and I have been home for the last week and this is day 8 of self-isolation for us. You know, we've always had such crazy schedules and had so many people around us all day that all of a sudden this being our reality just feels crazy. And I'm sure all of you feel the same way. We're taking all the recommended precautions right now. We're safe, we're healthy, we're practicing social distancing. But you know, all of this solitary time makes you think. And just like all of you, I've been reading... Aapnara dekhchen Bekai News. Please subscribe our channel and click on the bell icon.